मुख्तार अंसारी को पिछले साल 2023 में वाराणसी की एक अदालत ने हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाल ही में खबर आई थी कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में देर रात हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जिला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मुख्तार की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही थी, जिसके बाद कल देर रात ये खबर लगी कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के चलते मऊ और गाजीपुर और बांदा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। डीजीपी मुख्यालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौत की खबर लगने के बाद गाजीपुर में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। हम लोग काफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये घराना जो है काफ़ी सियासी पुराना घराना है और सबसे एक ज़मीनी ताल्लुकात हैं और एक इसने जो एक दूसरे से स्नेह होता उस तरह का ये परिवार रहा है। किसी के दुख दुख में सुख दुख में हमेशा ये लोग शरीक रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी बिरादरी रहा हो। इन्होंने हर बिरादरी को मतलब अपने भाई की तरह सब समझते हैं और किसी का भी कोई भी मसला रहा है सारे चीज़ों का ही लोग निवारण भी करते थे। जन से धन से जिस तरीके से होता था ये लोग मदद भी करते थे और काफ़ी गरीब लोग परिवार जितने इधर काफ़ी क्षेत्रों में हैं, किसी का कभी कोई परेशानी आता था तो ये लोग खड़े रहते थे। इनके वालिद साहब सुभानुल्लाह अंसारी साहब काफ़ी गरीब परवर इंसान थे, ठीक ना। उन्होंने मतलब अपने समय में जब भी बाढ़ आता था तो अपने लाठी डंडे को लेकर निकलते थे, जिस तरह का सहयोग करना था उस तरह का सहयोग करते थे। तो ये लोग काफ़ी मिलनसार लोग थे, आपसी भाईचारा बना के रखते थे। आने वाले पिछले समय में भी जब होली का त्यौहार होता था तो ये लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते थे, होली खेलते थे। मुख्तार अंसारी थे या अफजल अंसारी थे, ये लोग एक भाईचारे का सौहार्द पैदा करते थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी क्षति है इंसानियत के लिए, हम लोग महसूस करते हैं इसको। रास्ते में आ रहे थे, एक घर में महिलाएं रो रही थी, कुछ महिलाएं रो रही थी, हमने पूछा क्या बात है आप लोग के बारे में। देखिए ऐसा है जी, ऐसा है कि ये लोग जैसे पता चलता था फला इंसान परेशान है तो ये लोग बिना कहे मदद करते थे। तो जाहिर सी बात है जिसके संग वो लोग सौहार्द किए हैं वो रोएगा ही, क्योंकि जैसे एक बाप का साया होता है, भाई का साया होता है जो वक्त आने पर मदद करता है, उसी तरह ये लोग सबकी मदद करते थे, ठीक ना। तो इसलिए उसके दिल में तकलीफ है कि आज उसकी बड़ी क्षति हुई है, इसलिए वो रो रहा है। ये सब लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन काफ़ी बड़ी क्षति है, लोग अंदर से रो रहे हैं लेकिन वो दिखा नहीं सकते दुनिया को, ठीक ना। बड़ी क्षति है इस मोहम्मदाबाद के लिए, इस समाज के लिए और जितने भी लोग इनके चाहने वाले, बड़ी क्षति है। क्या लगता है कि मतलब मौत के पीछे क्या कारण है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि मौत के पीछे क्या गा रहा हूँ, ये तो मान लीजिए पोस्टमार्टम होगा, उसमें सारे रिजल्ट आएंगे। सरकार के ये सब फंडे हैं वो लोग निकालेंगे, जो सही होगा उसका इंसाफ होना चाहिए। गरीबों का वो माशिया थे, गरीबों को बहुत मदद करते थे और जो है पूरा पूर्वांचल उनको मानता था और जो है उन्हीं के लिए देखिए कितना मजमा लगा हुआ है। मोहब्बत नहीं रहता तो इतना मजमा लगता भाई? शुरू से ही वो गरीबों के लिए माशियात है। हाँ, हम लोग देखते थे जेल में भी वो मदद करते थे, लोग पहुँचते थे अपने परिवार लेकर, कोई खाली नहीं आता था वहाँ से। जेल में भी अगर कोई जाता था यहाँ से यूपी से, कोई वहाँ से खाली नहीं आता था, ज़रूर मदद करते थे। बता दें कि दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अंसारी ने कोर्ट में लिखित बयान के जरिए ये आरोप लगाया था कि उसको स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया जा रहा था और उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिसके बाद ये खबर लगी कि देर रात उसका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया।